नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जेंट्स कॉलर डिजाइन का ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो उसका फुल ट्यूटोरियल मैंने इसमें शेयर किया हुआ है। कॉलर किस तरीके से कटिंग करते हैं और हम नेक में कितना वी और कितना राउंड में इसको लगा सकते हैं, तो उस तरीके से मैंने पूरा वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते ये हैं। जो जेंट्स या शर्ट कॉलर जिसको हम बोलते हैं, ये ब्लाउज मेरा 4 टक्स में बेल्ट ब्लाउज है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कॉलर अटैच करना और कॉलर की कटिंग किस तरीके से करते हैं वो आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको बैक साइड और फ्रंट साइड को शोल्डर से यहाँ से दोनों साइड से जॉइंट कर लिया। अभी स्लीव मैंने इसमें जॉइंट नहीं किए। तो इसका जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो शोल्डर है आप अपने अकॉर्डिंग लें। मैंने 7.5 इसके शोल्डर लिए थे और 7 हम मैंने इसके आर्म होल लिए थे, क्योंकि आर्म होल यहाँ हम डाउन करते हैं तो उसमें हमारा निकल जाता है 1/4 इंच। तो 6 इंच मेरा आर्म होल था तो यहाँ पर वो निकल गया, तो इस वजह से मेरी ये मार्किंग है। 38 साइज का ये मेरा ब्लाउज है। तो ये देखिए दोनों साइड से ये शोल्डर हमारे ये जॉइंट है। अब हमें क्या करना है, कॉलर के लिए मैंने ये यहाँ पर बैक साइड में 1 इंच की गहराई देकर इस तरीके से गुलाई दी है। नेक जो ये होता है हमारा कॉलर नेक, उसमें हम सिर्फ पीछे की साइड 1 इंच की गुलाई देते हैं। और ये जो फ्रंट साइड है मैंने ये देखिए यहाँ से पट्टियाँ लगा ली है, और ये मैंने 2.5 इंच पर इसको भी नेक किया है, और ये 3 इंच पर इसको मैंने ये कॉलर के लिए राउंड नेक किया हुआ है। नेक आप जितना भी रखें उसके अकॉर्डिंग लें। तो ये देखिए, हम इसको यहाँ से पट्टी लगा ली है मैंने, और जहाँ से हमारा राउंड नेक है वहाँ से कॉलर के लिए मैं मेजर कर रही हूँ। तो टेप को हमें पकड़ना है और यहाँ से ये देखिए बिल्कुल बराबर से खींचना नहीं है, ना तो टेप को आपको खींचना है और इस ब्लाउज को भी नहीं खींचना है। इस तरीके से पूरा करते हुए ये देखिए ऐसे हमें इसकी लेंथ को पूरे को नापना है भाई कितनी है। ये देखिए 13.5 इंच ये मेरा जो पूरा राउंड में कॉलर आ रहा है। तो मैं एक बार ब्लाउज को साइड में रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने जी कैनवास बुकरम लिया हुआ है, इसको इसकी चौड़ाई आप लगभग 5.5 इंच के समथिंग ले सकते हैं। ये मेरे पास चौड़ी पट्टी थी तो मैंने इसको पूरी ले ली। तो ये देखिए, थर्टीन एंड हाफ था तो 13.5 का देखिए हम हाफ करेंगे, तो ये हमारा 13.5 आता है। तो यहाँ पर टेप को रखकर ये देखिए इस तरीके से मैं इसको मोड़ लूँगी। तो ये देखिए 7.25 इंच ये हमारा हाफ आ रहा है। तो 7.75 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे एक, ये देखिए मैं 7.75 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ से हमें एक लाइन, सीधी लाइन खींचनी है। देखिए कॉलर लगाना मैं बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, इससे आप फटाफट अच्छे से कॉलर लगा पाएंगे। देखिए 1 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा आगे की साइड रख रही हूँ, इसको भी हमें लाइन से ऊपर से मिला देना। ये 1 इंच हम जो हमारी जेंट्स कॉलर में नोक जो निकलती है आगे की साइड, उसके लिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। ये देखिए, आप जितना भी चौड़ा कॉलर रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लें।
ये देखिए, क्योंकि ये हमारा गुलाई में निकल जाएगा, यहाँ भी हम कर्व लगाएंगे तो हमारा निकल जाएगा, इसलिए मैं ये देखिए पहले 4 इंच पर निशान लगा देती हूँ। और एक ये बॉक्स बना लें, बॉक्स से क्या है कि हमें सुविधा रहती है कॉलर को अच्छे से ड्रॉ करने में। अब जो पीछे का हमारा गला, जितना भी आप काटें, जैसे मान लो मैंने 3 इंच लिया था, चौड़ाई उसकी 3 इंच थी, तो 3 इंच पर निशान लगा लिया। और यहाँ से कर्व के लिए हमें 1 या 1.25 इंच पर भी आप निशान लगा सकते हो। मैं यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अगर आप थोड़ा कर्व ज़्यादा देना चाहते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी निशान लगा सकते हो। ये देखिए, इसको यहाँ से ऐसे हम मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद ये जो हमारा कॉर्नर था, ये देखिए, इससे हमें इसको मिलाना है कॉर्न जो, ये देखिए ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, हल्का सा कर्व दे के ये पूरा अच्छे से गोल हो जाएगा। अब यहाँ से अभी हमें कर्व लगाना है ऊपर से, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा के इसको यहाँ से हमें मिलाना है। ये देखिए, मैं इसमें बीच में एक पिन लगा लेती हूँ ताकि एक जगह रहे, ये हमारा उठ जाता है तो ये छोटा बड़ा भी कट सकता है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, ये जो हमारी ये देखिए सेफ आ गई है कॉलर की, इस पर मैं एक बार कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारी कॉलर की सेफ आ जाएगी। ये देखिए हमारी कॉलर की ये सेफ हो गई। अब इसको मैं कपड़े पर पेस्ट कर लेती हूँ। तो इसी के बराबर हमें कपड़ा लेना है, उसको उस पर इसको मैं चिपका लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको कपड़े पर चिपका लिया है। अब क्या करना है, मैं यहाँ पर इसको देखिए ऐसे इसको फोल्ड कर लूँगी। एक नहीं, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे पर सिलाई लगा ली। अब एक स्ट्रिप और ली है हमने ऐसी, और इसको इस तरीके से रखें दूसरी पर, क्योंकि अब हमको ये कॉलर को पलटना है इसलिए हमें, और इधर की साइड हमें मार्जिन छोड़ना है, और ये तीनों साइड हमें सिलाई करनी है। एक साइड से स्टार्ट करते हुए हमें दूसरी साइड तक एंड करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें बुकरम की किनारे 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 पर सिलाई नहीं चलानी, उसके नीचे चलानी है।
यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने ताकि अच्छे से पलटी जाए। इसमें कॉर्नर में आप चाहो तो एक धागा डाल के उससे भी इसको खींच सकते हो ताकि कॉर्नर एकदम फिनिशिंग से आ जाए। ये देखिए इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे, देखिए मैं पेंसिल से इसको इसकी जो नोक है उसको अच्छे से निकाल लेती हूँ। धीरे धीरे निकालें आप, ये देखिए कपड़े में, और फिर ऊपर से जो थोड़ी बहुत रहती है उसको आप पिन से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये है तो इसमें अंदर इसको इस तरीके से डाल के और ये आपके अच्छे से ऊपर तक अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए देखिए दोनों कॉर्नर निकल गए हैं और इसको इस तरीके से अच्छे से जमा लें बिल्कुल। और ये देखिए अब इसके चारों तरफ मैं एक सिलाई लगा देती हूँ। चाहे तो आप इस पर थोड़ा सा यहाँ हट के सिलाई लगा सकते हैं या बिल्कुल किनारे पर भी लगा सकते हैं, ये आप अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। ये देखिए मैं इसकी किनारे पर मैंने इसमें बिल्कुल सिलाई लगाई है और इसको मार्जिन वाले कपड़े को अच्छे से सेट करके फिर इस पर सिलाई लगाएं। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी कॉलर बनी है। और यहाँ पर ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी मैं काट लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही हमें छोड़ना है। ये देखिए अब कॉलर लगाते वक्त इस किनारे किनारे पर हमें चौक से निशान लगाना है क्योंकि ब्लाउज का कपड़ा इसका कपड़ा हम जोड़ेंगे तो इसी निशान पर हमें सिलाई लगाएंगे तो एकदम हमारी ये सही आएगी। ये देखिए निशान मैंने लगा लिया इस तरीके से, इस पर ही हम सिलाई लगाएंगे और इसको ऐसे मोड़कर देखिए कॉलर को और यहाँ पर एक निशान लगा दें कट का। और यहाँ पर एक चौक से भी आप निशान लगा दें ताकि अच्छे से आइडिया लगे। ये देखिए ये हमारा सेंटर हो गया और ये कपड़ा मेरा बहुत ज़्यादा सिल्की है इसलिए मैं यहाँ पर एक पिन लगा लेती हूँ ताकि ये इधर उधर ना हो। अब हमें ब्लाउज लेना है, ये देखिए दोनों शोल्डरों को मिलाते हुए और ये यहाँ से ये भी हमारा एकदम बराबर है और यहाँ से ये कट का निशान लगा लें और चौक से भी आप लगा लें।
अब ये देखिए ऐसे ये कट से कट हमारा यहाँ से ये मिला लेंगे और यहाँ पर मैं पिन अटैच कर लूँगी इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, ताकि ये हमारी कॉलर एक जगह फिक्स रहे। तो ये अगर मैं पिन अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने सेंटर में यहाँ पर पिन लगा दिए और इसको हम अब कॉलर को लगाएंगे। कॉलर लगाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें, अब ये ब्लाउज हमारा सीधा है तो ये देखिए कॉलर का ये जो बुकरम लगी हुई है ये जो ये नीचे की साइड हमारी होनी चाहिए और ये किनारी जो हमने निशान लगाई है ऊपर की साइड हमें दिखता हुआ होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी कॉलर एकदम एग्जैक्ट सही है। या तो आप इसको सेंटर से लगाएं, ये देखिए मैंने सेंटर पे निशान लगा लिया है और यहाँ पर मैंने पिन भी अटैच कर लिए। मैं आपको दिखाती हूँ सेंटर से कट लगाते हुए। अब यहाँ से हमें जितना हमें निशान लगाया है ऊपर इस पट इस कॉलर को हमें इस तरीके से रखना है। और ये देखिए मशीन का बूट उठाते हुए यहाँ पर अब आप नोक को अंदर ले लें और पिन को आप हटा लें, क्योंकि दोनों जो कपड़े हैं आपके फिक्स हो चुके हैं मशीन की अंदर सुई में। अब इन दोनों को ये देखिए यहाँ से ये जो सिलाई है ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी नीचे ब्लाउज में भी इतना ही मार्जिन है, इसमें भी हमारा इतना ही मार्जिन है। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। हमें दोनों को ही नहीं खींचना, ना तो आप ब्लाउज को खींचें नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा आपका एकदम ढीला दोनों को छोड़ते हुए। आराम आराम से आप अटैच करें। और जो शोल्डर जॉइंट का जो ये देखिए जो दबाव होता है इसको हमें बैक साइड की तरफ ही रखना है। मैं यहाँ से पक्का भी कर लेती हूँ एक बार। ये देखिए ये इस तरीके से ये देखो हमारी कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसमें अटैच हो गई है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। ये देखिए हमने मैं सेंटर से ही कॉलर जॉइंट किया है मैंने।
ये देखिए इधर की साइड से भी जॉइंट होगी और ये जो सिलाई है हमारी इस तरीके से ये अंदर चली जाएगी। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर इसमें जॉइंट होगी। अब देखिए मैं एक बार ये पिन हटा देती हूँ। अब ये देखिए ये जो सिलाई थी हमारी इसको हम अंदर के साइड इस तरीके से लेके और फिर इस पर ये देखिए ये कॉलर पर ये जो हमारी कॉलर दिख रही है इस पर ये देखिए ऐसे हम इस पर सिलाई लगा देंगे ताकि ये सिलाई जो हमारी है ये अंदर की साइड चली जाएगी। ये देखिए ऐसे बिल्कुल, चाहे तो इसको आप बाहर की साइड से भी लगा सकते हैं चाहे अंदर की साइड से भी। तो इस तरीके से कॉलर हमारी लग जाएगी। मैं इसको अटैच कर लेती हूँ। ये देखिए कॉलर हमारी अटैच हो चुकी है। अब इस तरीके से ये देखिए ऐसे हमारी ये फोल्ड हो जाएगी और ये ब्लाउज में ये देखिए मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ये कॉलर लग के तैयार हुई है, कॉलर वाला ब्लाउज। और ये देखिए यहाँ से यहाँ पे हमारे हुक्काई लग जाएंगे और ये देखिए मैं इसकी प्रेस करके और इसमें मैं स्लीव जॉइंट कर लेती हूँ और इसकी जो फिटिंग की सिलाई लगा के इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने स्लीव इसमें जॉइंट कर ली है, पूरा फिटिंग का टांका लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ये कॉलर इसमें लगी है। तो इस तरीके से ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।